वीडियो में देखेंगे जानेंगे इन बल्ब एक स्विच का पैरेलल कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी वीडियो शुरू करेंगे। चलिए दोस्त, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ तीन बल्ब एक स्विच में पैरेलल कनेक्शन कैसे हो सकता है। डायग्राम में बताने के बाद हम प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, एक दो तीन होल्डर में तीन बल्ब लगा दिया। एक होल्डर का दो टर्मिनल होती है, दो टर्मिनल में न्यूट्रल लगता है, फेज लगता है। वो वाला न्यूट्रल है, वो वाला फेज है। ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल, रेड वाला वायर फेज है। ठीक है, वो सकट में न्यूट्रल फेज लगता है, वो फेज है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो स्विच है। स्विच का भी दो टर्मिनल होती है। स्विच में एक टर्मिनल में वो सॉकेट का फेज लगता है और एक टर्मिनल में वो तीनों होल्डर का फेज सीरीज होकर लगता है। ठीक है, वो सॉकेट का ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में वो तीनों होल्डर का न्यूट्रल सीरीज होता है। ठीक है, चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करना है। चलिए दोस्त, मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ तीन बल्ब में एक स्विच का पैरेलल कनेक्शन। ठीक है दोस्त, मैं अभी बताता हूँ। एक दो तीन, तीन होल्डर में तीन बल्ब लगा दिया। ठीक है दोस्त, एक होल्डर का दो टर्मिनल होती है, ब्लैक वाला वायर और रेड वाला वायर न्यूट्रल फेज है। ठीक है दोस्त, दोस्तों होल्डर का दो टर्मिनल में दोनों वायर लगता है, न्यूट्रल वायर और फेज है। ठीक है दोस्त, वो भी होल्डर का दो टर्मिनल में दो वायर लगता है, वो भी होल्डर का दो टर्मिनल में दो वायर लगता है। तीन होल्डर का छः टर्मिनल में छः वायर लगता है, तीन न्यूट्रल है, तीन फेज है। ठीक है दोस्त, वो जो रेड वाला वायर और ब्लैक वाला वायर है, वो दोनों वायर सकट का है। वो सकट में डालते हो तो सप्लाई देते हो तो लाइट फंक्शन होगा। ठीक है दोस्त, सकट का वायर में वो होल्डर का रेड वाला वायर जॉइंट करना है। ठीक है, सकट का ब्लैक वाला वायर मतलब न्यूट्रल वाला वायर में न्यूट्रल वाला वायर न्यूट्रल और फेज है। वो सकट का न्यूट्रल और फेज है। ठीक है, वो भी वायर सकट का न्यूट्रल और फेज है। ठीक है, जो क्या करना है तीनों फेज को जॉइंट करना है। ठीक है, मैं अभी तीन वायर जॉइंट करता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं जॉइंट कर दिया। अभी क्या करना है, वो न्यूट्रल वायर तीन वायर अभी जॉइंट करना है। ठीक है, जॉइंट कर दिया। ठीक है दोस्त, वो होल्डर का दो टर्मिनल का दो वायर अच्छा है अभी। वो भी न्यूट्रल वाला और फेज वाला जो सकट में डालते हैं वो दो वायर अभी, वो रेड वाला वायर दो दोनों फेज होते हैं। ठीक है दोस्त, वो दोनों स्विच में लगता है। ठीक है, वो भी वो जो न्यूट्रल वाला और फेज वाला सकट में लगता है। ठीक है, वो दो वायर सेम है। ठीक है दोस्त, हमको क्या करना है, इसे कट करके कनेक्शन करने के अच्छा होता है, इसलिए मैं कट कर दिया। ठीक है दोस्त, न्यूट्रल को जॉइंट करना है, मैं जॉइंट कर दिया। वो भी न्यूट्रल को जॉइंट करना है। ठीक है दोस्त, जॉइंट कर दिया। अभी क्या है, वो रेड वाला वायर है। ठीक है, वो रेड वाला वायर में अभी जॉइंट करना है। हमको अभी क्या करना है, एक स्विच लेना है। ठीक है, तीन एलईडी बल्ब में एक स्विच का पैरेलल कनेक्शन। ठीक है दोस्त, उसको खोल सकते, उसको मैं खोल दिया। वो स्विच का दो टर्मिनल होती है दोस्त, एक और दो, दो टर्मिनल होती है। ठीक है, हमको अभी क्या करना है, तीन एलईडी बल्ब का एक फेज है और सॉकेट में जो डालता है एक फेज है, वो दो वायर वो टर्मिनल में डालना है। ठीक है दोस्त, मैं इसको अभी डालता हूँ। उसको थोड़ा सा टाइट में प्रिपेयर करना है। एक लगा दिया, एक टर्मिनल में एक फेज वायर लगा दिया और एक टर्मिनल में एक फेज वायर लगाना है।
उसको थोड़ा सा टाइट में रिपेयर करना है। टाइट में रिपेयर कर दिया, हमको अभी क्या करना है उसको डालना है। वो स्क्रू टाइट करना है वो वाला नट। टाइट कर दिया ठीक है। हमको अभी क्या करना है वो जंक्शन का तीन जॉइंट, वो जंक्शन का दो जॉइंट, वो जंक्शन का दो जॉइंट को टैप लगाना है ठीक है। मैं अभी लगाता हूँ, अब देखिए तीन जंक्शन का टेप लगा दिया। हमको अभी क्या करना है वो जंक्शन का, वो तीन जंक्शन का वो तीन लगाना है ठीक है। मैं दो स्क्रू लिया ठीक है दोस्त। उसको मैं थोड़ा सा टाइट कर दिया ठीक है। तीनों जंक्शन का छह स्क्रू टाइट कर दिया, थोड़ा सा टाइट कर दिया मैंने। वो दोनों वायर न्यूट्रल और फेज है ठीक है दोस्त। वो तीनों जंक्शन का सर्किट में जो लगता है न्यूट्रल और फेज है ठीक है। हमको अभी क्या करना है उसको सप्लाई देना है ठीक है दोस्त। सप्लाई देने के लिए मैं एक स्विच बोर्ड लिया ठीक है। उसको क्या करना है सप्लाई देना है ठीक है। मैं सप्लाई दिया ठीक है दोस्त। उसको ऑन करना है ठीक है। ठीक है दोस्त ऑन हुआ, पार्लर कनेक्शन का कंप्लीट हो गया पार्टिकल।